हाँ जी, ये देखिए भाईजान, ये इसका आउट आया है 114.3 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मोड्यूल आया 2 मोड्यूल। ओके, जब हम उसकी 2 मोड्यूल को तकसीम करते हैं 114.3 पर, तो ये देखें 114.3 तकसीम 2 मोड्यूल मनफी 2, ये हमारे सीधे तंत्र निकला है 55.15। अब हम इसको टेढ़े तंत्र निकालने, हमने जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है 25 एंगल पर, 25 एंगल का कोसाइन लेना, हमने उसका कोसाइन है 25 एंगल का 1.906। अब 55 को हमने ज़रब देनी है, ज़रब 1.906। एग्जाम्पल फॉर 49.96, 49.96, यानी कि आपके ये 50 तंत्र निकला। ठीक है, किसी भी मोड्यूल को साइज के साथ ज़रब देंगे, पहले सीधे दांते निकलेंगे, सीधे दांते निकलने के बाद आपने 25 एंगल का कोसाइन लेना है। और फॉर एग्जांपल के 25 एंगल का कोसाइन है 0.906, इसके साथ आपने इसको ज़रब देनी है, सीधे दांते 55.15, ज़रब कोसाइन 1.906। जब इसको आप ज़रब देंगे तो आपके ये दांते निकलेंगे 49.96। इसका मतलब भी आपके 50 तांते इस पे पड़ गए। ये जो आप देख रहे हैं 114.3 पर सीधे दांते 55.15 और टेढ़े 25 एंगल के हिसाब से 50, 49.96, 4000 का फ़र्क है। अभी आपको समझ आ गई है, किसी भी टेढ़े दांतों को निकालने के लिए आप उसका कोसाइन लेना, आपने सीधे दांते ज़रब कोसाइन ऑफ एंगल किसी भी एंगल का, जैसे हमने आपके सामने निकाला ये कोसाइन है कॉस 25 डिग्री इज इक्वल 0.906। 906 हमने यहाँ लगाया, सीधे दांतों के साथ ज़रब दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 49.96 बन गया, आपके 50 तंत्र की आ गए। मेरा ख्याल में आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपको ये वाली स्पीड बैड है, इसमें आपने पीस काटने हैं, इसलिए नंबर चीज़ का जाएगा। ये स्पीड है,
Love it.